गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो डियर स्टूडेंट ओपन पेज नंबर थर्टी सिक्स बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हेयर रिलेटिव प्रोनाउंस सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर थर्टी सिक्स ऑफ योर ग्रामर बुक सो लेट्स रीड दिस रिलेटिव प्रोनाउंस हुज हुम विच एंड देट आर वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एज रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमारे हु वर्ड हैं हुज वर्ड है होम uh, वर्ड है विच और दैट है ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हमारे सेंटेंसेस में फ्रीक्वेंटली प्रयोग किए जाते हैं एज इज़ आल्सो समटाइम्स यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो एज वर्ड है हमारा वो भी रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह हमारा सेंटेंसेस में हमारे प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं देखो ऐसे प्रोनाउंस जो कंजंक्शन की तरह सेंटेंस में प्रयोग होते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं उन प्रोनाउंस को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस क्योंकि वो रिलेट करते हैं राइट right? चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प से हम समझते हैं एज अ रूल हु हुम इज़ यूज फॉर पर्सन परसनस ओनली जो रूल के अकॉर्डिंग हमारा हु who, हुज़ और हुम है वो पर्सन के लिए यानी कि इंसानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि इट हैज़ द सेम फॉर्म वेदर इट रेफर्स टू ए सिंगलर और अ प्लूरल नाउन और ए नाउन मास्क्यूलिन फैमिनिन और कॉमन जेंडर यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो वो चाहे सिंगलर हो या प्लूरल हो और मास्क्युलन जेंडर के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए कॉमन जेंडर के लिए सभी के लिए प्रयोग होता है उसी फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए उनसे समझते हैं द फार्मर हुड नो वर्क इमीडिएटली स्टार्टिड प्लोइंग द फील्ड एक फार्मर जिसके पास कोई काम नहीं था उसने इमीडिएटली तुरंत ही खेत को जोतने का काम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे एक फार्मर की बात की गई है तो यहाँ पे देखो हु की प्रयोग किया गया है नेक्स्ट नेक्स देखो टू शॉपकीपर्स हु हैड ऑफर्ड अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स डिड ब्रिस्क बिजनेस जो टू शॉपकीपर्स थे जिन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए थे उन्होंने अपना बिजनेस ब्रिस्क कर दिया तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि टू शॉपकीपर्स हैं टू शॉपकीपर्स के लिए हु प्रयोग किया गया है राइट right? तो हमें ये समझना है कि सिंगलर के, हम के लिए भी हमें हम हु प्रयोग कर सकते हैं हुम प्रयोग कर सकते हैं हम विच प्रयोग कर सकते हैं दैट प्रयोग कर सकते हैं प्लूल के लिए भी फेमिनिन जेंडर के लिए भी और कॉमन जेंडर के लिए भी और मास्क्यूल जेंडर के लिए द प्रिंसिपल कोल्ड द पेरेंट्स ऑफ दो चिल्ड्रन हुज रिजल्ट वॉज पुअर अब तो हुज़ वर्ड है वो चिल्ड्रन के लिए प्रयोग किया गया है चिल्ड्रन देखो क्या है कॉमन जेंडर है द गर्ल नरेटेड हर स्टोरी टू एन ओल्ड लेडी होम शी मेट ऑन द वे तो होम वर्ड प्रयोग किया गया किसके लिए प्रयोग किया? किया गया ओल्ड लेडी के लिए प्रयोग किया गया तो ओल्ड लेडी क्या है फेमिनिन जेंडर है तो so, यहाँ पे ये यह समझाया गया है क्या चाहे हमारा नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो फेमिनिन जेंडर हो मास्क्यूलिन जेंडर हो कॉमन जेंडर हो किसी के लिए भी किसी तरह के जेंडर के लिए भी हम हाँ हुम और विच और दैट को प्रयोग कर सकते हैं बस वो पर्सन होना चाहिए नेक्स्ट हैं द यूज ऑफ होम नीड्स अ बिट ऑफ केयर लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स जब हम होम का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रखना है वो चीज़ समझते हैं पीपल हु डू नॉट लव अदर्स सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है द रिलेटिव प्रोनाउन ईज द रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट हैंस हु पीपल हुम अदर्स डू नॉट लव द रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट हैंस हुम देखो यहाँ पे ये यह समझा गया है समझाया गया है कि जब हमें सब्जेक्ट की तरह रिलेटिव प्रोनाउन रिएक्ट कर रहा हो तो हु प्रयोग करना है जब ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट कर रहा हो तो हमने क्या करना है होम प्रयोग करना है जैसे कि मैं कहता हूँ विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है विराट कोहली जो क्रिकेट खेलता है आ गया है तो जो वर्ड किसके लिए यूज किया गया विराट के लिए विराट ही सब्जेक्ट है तो हमने हु यूज करना है विराट कोहली हु प्लेस क्रिकेट हैज कम फिर मैं कहता हूं विराट कोहली जिसको तुम लाइक करते हो अब तुम सब्जेक्ट है जिसको यहां लिए, गया विराट कोहली के लिए तो यहां पे होम प्रयोग करना है विराट कोहली होम यू लाइक हैज कम राइट तो यानी कि जब वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो तो हु प्रयोग करना है जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो तो हु प्रयोग करना है नेक्स्ट पॉइंट समटाइम्स हुज मे आल्सो बी यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी कभी कभार हम यू हुज को प्रयोग कर देते हैं जैसे कि द कार हूस हैड लाइट्स वर ऑन ठीक है तो जो कार है कार के लिए हुज वर्ड प्रयोग किया गया है कार जिसकी लाइट्स वर ऑन जिसकी लाइट ऑन थी आगे का मैटर नहीं दिया गया तो यहाँ पर समझाया गया कि हुज़ वर्ड को भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं जैसे हम बोलता हूँ द नोट्स बुक्स द नोट बुक्स हुज कवर्स व न्यू हैव बिन सोल्ड तो यहाँ पर भी जो नोटबुक्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो हमें यह समझना है कि हुज वर्ड को भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली दिस सेंटेंस शुड हैव बिन रिटर्न एज तो इस सेंटेंस को वैसे इस तरह भी लिख सकते थे द कार दाई दैडलाइट्स ऑफ विच वर ऑन तो इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते यहाँ पर यह समझाया गया बट द फर्स्ट सेंटेंस लुक्स मोर एलिजेंट जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ज़्यादा एलिजेंट ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स जो विच वर्ड है विदाउट यानी नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी प्रयोग होता है जैसे द हाउस विच हैज़ बिन लेंग वेकेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज़ बिन सोल्ड ऑफ जो हाउस था बहुत समय से खाली पड़ा था वो बेच दिया गया है तो विच किसके लिए प्रयोग किया गया है द हाउस के लिए हाउस द हाउस क्या है नॉन लिविंग थिंग है विदाउट लाइफ है तो हमें यह समझाया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच प्रयोग कर सकते हैं द टाइगर विच हैज़ टर्निड अ मैन ईटर कुड नॉट बी लोकेटेड एक टाइगर जो आदमी को इंसानों को खाने वाला बन गया है उसको लोकेट नहीं किया गया ढूंढा नहीं गया ढूंढा नहीं गया अभी तक तो यह टाइगर है टाइगर के लिए विच यूज़ किया गया टाइगर जो क्या है एक एनिमल है तो एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम विच को प्रयोग कर सकते हैं दैट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स दैट वर्ड है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि दैट इज मैन सॉरी दिस इज़ द मैन दैट आई हैव बिन स्पीकिंग ऑफ यह वह व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रहा था तो ये दैट वर्ड है यानी कि जिससे वर्ड है वो मैन के लिए प्रयोग किया गया तो मैन क्या है एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हम दैट वर्ड प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट माई फादर प्रजेंटिड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे मैं अपनी वो वॉच खो चुका हूँ जो मेरे फादर ने मुझे मेरे लास्ट बर्थडे पे दी थी तो ये दैट वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया था वॉच वर्ड के लिए प्रयोग किया गया तो वॉच वर्ड क्या है एक नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे यह समझाया गया है कि दैट वर्ड जो होता है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है मोर ऑन द यूज़ ऑफ दैट वी यूज दैट आफ्टर एजेक्टिव इन द सुपलेटिव डिग्रीज हम दैट वर्ड को सुपोलेटिव डिग्री के बाद जो एजेक्टिव आते हैं उनके बाद भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि कपिल इज़ द बेस्ट फास्ट बोलर दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड कपिल वह फास्ट बोलर है जिसको हमने प्रोड्यूस किया है इवन द मोस्ट फुलिश पर्सन दैट एवर लिव्ड टू टीच अस समथिंग यहाँ तक कि जो सबसे मूर्ख पर्सन है दुनिया में जो अब तक जीवित हुआ है जीवित रहा है वो हमें कुछ ना कुछ टीच कर सकता है तो यहाँ पे समझाया गया है कि सुपरलेटेड डिग्री के बाद जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुए हैं उनके बाद हम दैट वर्ड को प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट वी यूज दैट आफ्टर द वर्ड्स ऑल सम एनी नन नथिंग ओनली तो ये वर्ड्स हैं इनके बाद भी हम दैट वर्ड प्रयोग कर सकते हैं जैसे ऑल दैट ग्लीटर्स इज़ नॉट गोल्ड नथिंग दैट आई हैड आई डिड प्लीज माई फादर तो नेक्स्ट पॉइंट है सपोज इन अंटेंस वी हैव टू नाउन्स वन डिनोटिंग अ परसन एंड द अदर इज थिंग विच रिलेटिव प्रोनाउन्स शेल वी यूज वी वुड नेचुरली प्रेफर टू यूज दैट देखो सपोज करो कि हमारे पास दो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं सॉरी दो आ, हमारे पास वर्ड हैं जिनके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है तो उस कंडीशन में क्या वर्ड प्रयोग करोगे उस कंडीशन में आप दैट वर्ड प्रयोग करोगे जैसा कि बोथ द कार एंड इट्स ड्राइवर अब वो कार क्या है नॉन लिविंग थिंग है और ड्राइवर क्या है एक पर्सन है दैट नाउ अपीयर लुकड शैबी अब वो जो दोनों कार और जो कार ड्राइवर हैं अब दोनों ही शैबी से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि दैट वर्ड को हम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी नेक्स्ट पॉइंट वर्ट रेफर्स टू थिंग्स ओनली जो वर्ट है वो थिंग्स को रेफर करता है इट्स एंटीसीडेंट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इट एक्चुअली मीन्स दैट विच और द थिंग्स विच देखो जब वर्ट वर्ड को प्रयोग करते हैं इसका एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता अक्सर उसका एंटीसीडेंट नहीं लिखा आता यानी कि आप ये समझ सकते हो जिसका एंटीसीडेंट नहीं हो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखो बोथ द कार एंड इट्स ड्राइवर जो दैट वर्ड है वो कार और ड्राइवर के लिए प्रयोग किया गया है दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है अब वो किसके लिए प्रयोग किया गया है कार और ड्राइवर के लिए तो कार और ड्राइवर क्या है उस दैट के लिए एंटीसीडेंट है एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाते हैं तो इस पॉइंट में वट वाले पॉइंट में यह समझाया गया, गया है कि वर्ट को अक्सर हम तब यूज करते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं दिया होता जैसे वट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड वी हैव फाउंड वट वी हैव बिन लुकिंग फॉर हमने वो पा लिया है जिसको हम ढूंढ रहे थे राइट नेक्स्ट द वर्ड एज इज आल्सो समटाइम्स यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है एज़ उसको भी हम कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग करते हैं इट इज़ यूज आफ्टर द वर्ड सच एज़ समाइम्स आफ्टर द वर्ड सेम तो जो एज है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो सच के और द सेम वर्ड के अक्सर बाद प्रयोग किया जाता है जैसे कि ही इज़ सच अडर एज द कंट्री नीड्स टूडे सॉरी लीडर ही इज़ सच लीडर एज द कंट्री नीड्स टूडे वो ऐसा लीडर है जिस तरह कंट्री को अब ज़रूरत है प्रॉब्लम इज द सेम एज यूर उसकी प्रॉब्लम सेम है जैसे कि तुम्हारी सो इन द बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू सोल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर सिक्स